इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एचयूटी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनआईए की पूछताछ के समय संदिग्ध आतंकियों ने कई राज उगले हैं। एमपी में हथियार, गोला बारूद का बड़ा स्टॉक जमा करने का खुलासा हुआ है। बड़ी साजिश रचने की तैयारी में थे एचयूटी के आतंकी। 5 संदिग्धों के बाद 6 और एनआईए ने ऑफिस लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए। मितांशी, एचयूटी के आतंकी मामले में यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरह के राज उगले गए आतंकियों की ओर से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है एटीएस की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद एनआईए की टीम भोपाल पहुंची और लगातार जो है संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करने का सिलसिला जारी है। और इसी बीच इससे पहले एनआईए ने 5 लोगों से पूछताछ की थी, इसके बाद अब 6 लोगों से दोबारा पूछताछ की गई है और कई यहाँ पर राज उगलते हुए नजर आए हैं। देखिए, एनआईए ने सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन करा था, सीडीआर और सीडीएफएसएल, इसकी भी रिपोर्ट चेक की गई है, क्योंकि एटीएस की पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने कई खुलासे किए हैं कि जिहादी सामग्री जो है उनके पास एकत्रित करके रखी जाती थी। कई ऐसे कॉल नंबर्स भी ट्रेस किए गए हैं जिसमें जो है टेरर फंडिंग के साथ साथ बाहर के जो हम कह सकते हैं आईसिस के मॉड्यूल्स हैं, उनके भी ये खुलासे कहीं ना कहीं किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में गोला बारूद और हथियार का स्टॉक बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा करके ये तमाम संदिग्ध आतंकी रख रहे थे और इसके ज़रिए ये बड़ी साजिश करने वाले थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कई बड़ी जगहों पर इनकी ब्लास्ट करने की तैयारी भी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, गोला बारूद और हथियार जब ही जमा किए जाते हैं जब कोई बड़ी साजिश की प्लानिंग हो रही हो, और इसका कबूलनामा जो पूछताछ में है एनआईए की, उसमें किया गया है। हालांकि एटीएस भी लगातार पूछताछ कर रही थी, उसमें भी कई चीज़ें आतंकियों ने कबूली है, लेकिन अब एनआईए जो है और भी कड़ी पूछताछ करने की तैयारी में है। एनआईए ने फिलहाल मध्य प्रदेश में डेरा डाल लिया है, लगातार क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए यहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर इनका मॉड्यूल एक्टिव था, किन जगहों पर इनके लोग फिलहाल अभी जो है संगठन के वो एक्टिव हैं, और क्या इनकी साजिश थी, क्या ये लोग जो है बड़ी जगहों को टारगेट पर रखे हुए थे। राज उगले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो भाई, जबलपुर में आईसिस के 3 संदिग्धों की स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी, आज पूरी हो रही है तीनों की 14 दिन की रिमांड। बता दें 26-27 मई को एनआईए ने जबलपुर से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। संदिग्धों के पास से धारदार हथियार, गोला बारूद बरामद हुए थे। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए थे।